ग्रीन जायंट ने मेहुल की कार कोटा के जोर से फेंक दिया था। मेहुल और आलिया कार में ही थे, दोनों पूरी तरह से घायल हो चुके थे और कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों कार में पूरी तरह से फंस चुके थे और सामने ग्रीन जायंट खड़े होकर हंस रहा था। आलिया तुम ठीक तो हो ना? सर मेरी टांग टूट गई है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर से सामने वाले कांच को तोड़ने लगता है। मेहुल पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार किक मारता है और कार के सामने वाला कांच टूट जाता है। मेहुल आलिया को लेके कार से बाहर आ जाता है। आलिया का पैर टूट चुका था और वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन तभी अचानक ग्रीन जायंट मेहुल की गर्दन पकड़ लेता है। मैंने कहा था मेहुल मेरे रास्ते में मत आना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग इस शहर पे कब्जा नहीं कर सकते। तो ठीक है मेहुल, मैं आज तुम्हारा खेल खत्म ही कर देता हूँ। ग्रीन जायंट तुरंत अपने सूट का एक बटन दबाता है और उसके हाथों से बड़े बड़े ब्लेड बाहर निकल आते हैं। ये देखकर आलिया बहुत डर जाती है और मेहुल को कस के पकड़ लेती है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये हम दोनों को मार देगा। सर ये हम दोनों को मार देगा, लेकिन मुझे नहीं मरना है। मेहुल ग्रीन जायंट के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। ग्रीन जायंट टूट जाकर गिरता है, लेकिन उसके पास बहुत पावर थी। वो एक बटन दबाता है और हवा में उड़ने लगता है और दूसरी बटन दबाता है तो वो नुकीले ब्लेड पूरी स्पीड से मेहुल और आलिया की तरफ आने लगते हैं। मेहुल आलिया को कस के पकड़ लेता है और स्प्रिंग गन की मदद से सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को टारगेट करता है और ट्रिगर दबा देता है। मेहुल और आलिया गोली की रफ्तार से सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और ग्रीन जायंट की ब्लेड सामने वाले पेड़ पर जाके लग जाती है। ग्रीन जायंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उड़कर सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन मेहुल और आलिया वहां पर नहीं थे। मेहुल तुम चाहे जितना भी छुप लो, लेकिन आज तुम्हारी मौत पक्की है। ग्रीन जायंट मेहुल और आलिया को ढूंढने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं मेहुल और आलिया कहां पर छुपे हुए हैं? सोचिए सोचिए। पर्दे के पीछे देखिए, मेहुल और आलिया के जूते दिख रहे हैं। ग्रीन जायंट पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन पर्दे के पीछे मेहुल और आलिया नहीं बल्कि दो पुतले रखे हुए थे। मेहुल और आलिया ने चालाकी से अपने जूते पर्दे के पीछे रख दिए जिससे वो ग्रीन जायंट को कंफ्यूज कर सके और वो वहां से भाग जाए। मेहुल आलिया को लेकर सीधे डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। आलिया का पैर टूट चुका है, डॉक्टर संजना जल्दी से जल्दी इसका इलाज करो। आलिया को बहुत दर्द हो रहा था और वो रो रही थी। सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेहुल फ्रिज से निकालकर आलिया को एक जूस का ग्लास देता है और उसमें बहुत सारा नमक डाल देता है। सर इसमें इतना सारा नमक क्यों डाल दिया? जैसे को तैसा आलिया। आलिया तुम अब आराम करो, मैं बुलबुले साइंटिस्ट के पास जाकर एलियन से निपटने का कुछ प्लान बनाता हूँ। मेहुल दूसरे शूज पहनता है और लैब के बाहर खड़ी आदि की गाड़ी लेता है और बुलबुले साइंटिस्ट के घर की तरफ निकल पड़ता है। बुलबुले साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक बुलबुले बना रखी। क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता सी लेता है और बुलबुले साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट एलियन से फाइट करने के लिए नई नई तरह की चीजें बना रहा था। मेहुल अगर तुम्हें एलियंस को हराना है तो तुम्हें नॉर्मल नहीं बल्कि ब्लास्टिंग गन का यूज करना होगा। बुलबुले साइंटिस्ट के पास एक ब्लास्टिंग गन रखी हुई थी, वो मेहुल को दे देता है। रात काफी हो चुकी थी और मेहुल बहुत थक गया था, इसलिए वो बुलबुले साइंटिस्ट के बेडरूम में सो जाता है। तभी मेहुल को एक सपना आता है। मेहुल एलियन से फाइट कर रहा है, लेकिन तभी अचानक ग्रीन जायंट आलिया को पकड़कर ले जाने लगता है। मेहुल आलिया को कुछ इशारा करता है और ब्लास्टिंग गन से फायर कर देता है। आलिया नीचे झुक जाती है, ब्लास्टिंग बुलेट सीधा ग्रीन जायंट को लगती है और वो आलिया को छोड़ देता है। आलिया तेजी से नीचे गिरने लगती है और ग्रीन जायंट ब्लास्ट हो जाता है। मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ। आलिया को कोई बचाओ, आलिया को कोई बचाओ। तभी अचानक मेहुल जाग जाता है, उसे बहुत पसीना भी आ रहा था, बहुत ही खतरनाक सपना था। मेहुल आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया की जगह ग्रीन जायंट कॉल रिसीव करता है। मेहुल अगर आलिया को बचाना है तो जल्दी से यहाँ आ जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगा। आलिया तो डॉक्टर संजना की लैब में थी, इसका मतलब ग्रीन जायंट डॉक्टर संजना की लैब में आ गया है। मेहुल तुरंत बुलबुलिया साइंटिस्ट के बेडरूम में जाता है, लेकिन साइंटिस्ट ने अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक बुलबुलिया लगा रखी थी जिसमें तीन दरवाजे है, और साइंटिस्ट आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। यहाँ तो मुझे तीन दरवाजे दिख रहे हैं, कहीं ये कोई बुलबुलिया तो नहीं? लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कौन सा दरवाजा असली है और कौन से दरवाजे नकली है? सोचिए सोचिए। पहला दरवाजा दीवार से कनेक्टेड है, लेकिन ध्यान से देखिए दूसरा और तीसरा दरवाजा बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। पीछे से लाइट दिख रही है,
ऐसा भला कैसे हो सकता है? मेहुल दूसरे और तीसरे दरवाजे को हाथ लगाकर देखता है तो वहाँ दरवाजा नहीं बल्कि दीवार थी और डोर का सिर्फ प्रोजेक्शन था। मेहुल पहला दरवाजा खोल के अंदर जाता है और बुलबुलिया साइंटिस्ट को जगाता है। उठो साइंटिस्ट, ग्रीन जायंट ने आलिया को पकड़ लिया है। बुलबुलिया साइंटिस्ट एकदम घबराकर जाग जाता है। कौन है? अरे मैं हूं साइंटिस्ट, जल्दी उठो। इसके बाद मेहुल बुलबुलिया साइंटिस्ट को ग्रीन जायंट के बारे में बताता है और तुरंत डॉक्टर संजना की लैब में जाने के लिए कहता है। बुलबुलिया साइंटिस्ट मेहुल को एक आइडिया देता है और ग्रीन जायंट को मारने का प्लान बनाता है। आइडिया तो अच्छा है। इसके बाद मेहुल और बुलबुलिया साइंटिस्ट तुरंत एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वहाँ एक नहीं बल्कि दो दो मेहुल थे। बुलबुलिया साइंटिस्ट भी बिल्कुल मेहुल जैसा लग रहा था। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं इसमें से असली मेहुल कौन सा है? ए या बी, सोचिए सोचिए। जब मेहुल बुलबुलिया साइंटिस्ट के साथ सीक्रेट रूम के अंदर गया था तो उसके पास ब्लास्टिंग गन थी और अभी दूसरे वाले मेहुल के हाथ में ब्लास्टिंग गन है, मतलब वही असली मेहुल है। वही लैब में एलियन बीमार पड़ने लगा था। ग्रीन जायंट को सिग्नल भेजता है और ऊपर से एक स्पेसशिप आ जाता है एलियन को बचाने के लिए। उसमें से कुछ एलियंस लैब में आ जाते हैं। आलिया ये सब देख रही थी। लगता है एलियन धरती पे ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हाँ आलिया, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते हैं। यहाँ बहुत पोल्यूशन है, इतने पोल्यूशन में हम नहीं रह सकते हैं। एलियंस वो एलियंस को छुड़ाते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं। लेकिन अगर तुम इसे लेके गए तो साइंटिस्ट रिसर्च किस पे करेगा? आलिया जंप लगा के एलियन के पैर पकड़ लेती है। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ग्रीन जायंट आलिया को उठा लेता है। वैसे भी तुम्हारी पृथ्वी पोल्यूटेड है, यहाँ जी के क्या करोगे? हम यहाँ का सारा पानी ले जाएंगे, तुम लोग वैसे ही मर जाओगे। फिर एलियंस उस बीमार एलियन को स्पेसशिप में ले जाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। वही मेहुल और बुलबुलिया साइंटिस्ट बाइक से डॉक्टर संजना की लैब के पास आ जाते हैं। मेहुल बुलबुलिया साइंटिस्ट को अपने पैर से निकालकर एक चाकू देता है और सारा प्लान समझाकर लैब के अंदर जाने को बोलता है। मैं इसी पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करूंगा। बुलबुलिया साइंटिस्ट अपने कपड़ों में चाकू छुपाकर डॉक्टर संजना की लैब में चला जाता है। लैब के अंदर ग्रीन जायंट ने डॉक्टर संजना और आदि को बांध रखा था और आलिया को हवा में लटका रखा था। आओ मेहुल, आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। सर मुझे बचा लीजिए सर। अगर मैंने कुछ भी बोला तो सबको पता चल जाएगा कि मैं मेहुल नहीं बल्कि बुलबुलिया साइंटिस्ट हूँ। बुलबुलिया साइंटिस्ट बिना देरी किए तुरंत चाकू निकालता है और फेंक कर ग्रीन जायंट को मारता है, लेकिन ग्रीन जायंट आलिया को लेकर हवा में ऊपर उड़ जाता है और खिड़की का कांच तोड़कर उड़ जाता है। आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मेहुल सर, मुझे बचाओ। बाहर असली मेहुल पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वो आलिया की आवाज सुन लेता है। मेहुल तुरंत ब्लास्टिंग गन से ग्रीन जायंट को टारगेट करता है और फायरिंग कर देता है। ग्रीन जायंट की स्पीड बहुत तेज थी इसलिए मेहुल का निशाना चूक जाता है। गोली जाके पेड़ पे लगती है और ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ भी मेहुल, अंदर भी मेहुल, दोनों मेहुल को नहीं छोड़ूंगा। फिर से ग्रीन जायंट पे मेहुल निशाना लगाता है लेकिन वापस मेहुल का निशाना चूक जाता है। तभी साइंटिस्ट जोरों से चिल्लाता है, मेहुल ये ग्रीन जायंट कोई आदमी नहीं है बल्कि रोबोट है। मैंने इसके मोशन को समझा है, ये एलियंस का रोबोट है। अब कैसे लड़ेगा मेहुल इस रोबोट से और क्या होगा आगे देखेंगे आप अगले एपिसोड में।